नौकरी अस्थायी करने की मांग को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं। आंदोलन के चौथे दिन सहायक पुलिसकर्मियों ने मोराबादी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। वहीं प्रशासन ने 20 नामजद समेत 1000 सहायक पुलिसकर्मियों पर लालपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। ये हैं आंदोलनरत झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी। रांची के मोराबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन के चौथे दिन स्वच्छता अभियान चलाया। मोराबादी मैदान और आसपास के इलाकों की गंदगी हटाई गई। बता दें कि 3 साल पहले अगस्त 2017 को रघुवर दास की सरकार ने 3 साल के लिए 2500 युवाओं की नियुक्ति की थी। 12 उग्रवाद प्रभावित जिलों में इन्हें काम पर लगाया गया था। अब नौकरी अस्थायी करने की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी राजधानी रांची में आंदोलनरत हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार उन्हें भुखमरी के कगार पर छोड़ दी है। हम लोगों के द्वारा सफाई अभियान किया गया है। सफाई के जिस तरह से हम लोग को ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि अपना रहने का जगह या फिर ड्यूटी कहीं पे भी हैं आप, तो साफ सफाई को ध्यान देना चाहिए। ये हमारा ड्यूटी का हिस्सा भी है। तो इसी तरह से हम लोग सरकार को अपना मांग को लेकर के आए हैं, लेकिन अब भी हम जितना सरकार को अपना स्तर से ड्यूटी ही कर रहे हैं, समझिए सफाई अभियान एक ड्यूटी ही है। तो इस तरह से हम लोग आज सभी कोई मिल करके सुबह हम लोग पूरा मोराबादी ग्राउंड को साफ सफाई किए सभी कोई का सहयोग से। और वहीं मोराबादी में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के बयान पर लालपुर थाना में 20 नामजद सहित 1000 से ज़्यादा सहायक पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। प्राथमिकी लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में की गई है। हालांकि किन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की गई है इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। उधर एक और सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन के दौरान बेहोश हो गया, उसे रिम्स भेजा गया जहां उसका इलाज चल रहा। इस बीच बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनसे और समर्थन देने का वादा किया। बहरहाल सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है और उसने ऐलान कर रखा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वे डटे रहेंगे। चित्रंजन, सबरंग समाचार, रांची।